रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी विशेष स्थान या वस्तु से अनावश्यक गर्मी को निकाला जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो रेफ्रिजरेशन का मुख्य काम होता है किसी बंद स्थान के अंदर का तापमान कम करना। एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी एक प्रकार का रेफ्रिजरेशन सिस्टम ही होता है, जिसे कंफर्ट कूलिंग भी कहा जाता है। इसी तरह इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल भी कई किस्म की प्रक्रियाओं में किया जाता है, जैसे कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी प्लांट और ऑयल एंड गैस इत्यादि। आजकल इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन और कॉमर्शियल एयर कंडीशनिंग में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर चॉइस है वो है चिल्ड वाटर सिस्टम, जिसे आमतौर पर चिलर भी कह दिया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानकारी लेते हैं इसी चिल्ड वाटर सिस्टम के बारे में। चिल्ड वाटर सिस्टम की रेफ्रिजरेशन साइकिल में मुख्य भाग होता है कंप्रेसर, जो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करता है। गैस के बेसिक लॉ के अनुसार जब गैस का प्रेशर बढ़ाया जाता है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो इस तरह कंप्रेस होने के बाद हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में चला जाता है। चिल्ड वाटर सिस्टम में जो कंडेंसर इस्तेमाल होते हैं वो ज़्यादातर शेल एंड ट्यूब टाइप के होते हैं। इनकी शेल में रेफ्रिजरेंट होता है और ट्यूब में पानी। रेफ्रिजरेंट का तापमान लगभग 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और ट्यूब में जो पानी होता है उसका तापमान लगभग 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब पानी का तापमान कम है और रेफ्रिजरेंट का तापमान ज़्यादा है, तो रेफ्रिजरेंट अपनी गर्मी पानी को दे देता है, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाता है और पानी गर्म होकर बाहर कूलिंग टावर की तरफ चला जाता है। ठंडा होने की वजह से रेफ्रिजरेंट लिक्विड में बदल जाता है। अब अगले स्टेप में ये लिक्विड कंडेंसर से निकल के एक्सपेंशन वॉल्व में आता है। अब एक्सपेंशन वॉल्व का काम है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करना। प्रेशर कम यानी तापमान कम। अब यहां से लो टेम्परेचर लो प्रेशर का रेफ्रिजरेंट चिलर में आता है। ये चिलर भी ज्यादातर शेल एंड ट्यूब टाइप के ही होते हैं, लेकिन इनकी शेल में पानी होता है और ट्यूब में रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का तापमान लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के संपर्क में आने पर पानी 44 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा हो जाता है। ये चिल्ड वाटर अब एयर कंडीशनिंग या इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए फिर आगे चला जाता है। ध्यान से समझिएगा, चिल्ड वाटर अपने इस्तेमाल के लिए जाता है और वहां से गर्म होकर फिर चिलर में आ जाता है। इस्तेमाल यानी वो जरूरी उपयोग जिसके लिए चिलर खरीदा गया है, जैसे एयर कंडीशनिंग या इंडस्ट्रियल हीट रिकवरी इत्यादि। प्रोसेस के बाद पानी का तापमान लगभग 54 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। दूसरी तरफ अब पानी के संपर्क में आने से चिलर की ट्यूब वाला रेफ्रिजरेंट गर्म होकर वापस गैस में बदल जाता है, जो कि फिर से कंप्रेसर में चला जाता है, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। आइए अब कंडेंसर वाटर साइकिल को भी थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। कंडेंसर वाटर साइकिल के मुख्य भाग होते हैं पंप, शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर और कूलिंग टावर। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कंडेंसर पंप है वो कूलिंग टावर से ठंडे पानी को खींचता है, जिसका तापमान लगभग 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और ये जो पानी है वो कंडेंसर की ट्यूब में से बहता हुआ जाता है। कंडेंसर का जो शेल है उसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है, जिसका तापमान लगभग 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। मतलब रेफ्रिजरेंट का तापमान ज़्यादा है और जो पानी इसकी ट्यूब में बह रहा है उसका तापमान कम है। तो ऐसे में रेफ्रिजरेंट अपनी गर्मी पानी को दे देता है और उसके कारण रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाता है और पानी का तापमान लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। ज़रूरी नहीं है कि यह तापमान हर जगह एक समान हो, अलग अलग मौसम में ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो डेल्टा टी है वो आमतौर पर एक ही रहता है। डेल्टा टी मतलब कंडेंसर से निकलकर कूलिंग टावर में जाने वाला गर्म पानी और उससे निकलने वाले ठंडे पानी का अंतर। डेल्टा टी को कूलिंग रेंज भी कहा जाता है, जो लगभग 10 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। कंडेंसर से निकला हुआ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट वाला पानी कूलिंग टावर में जाता है और यहां पर आकर नोजल्स या स्प्रिंकलर से कूलिंग टावर की फिल्स में बौछार होकर गिरने लगता है। कूलिंग टावर में ऊपर एक पंखा लगा होता है जो कि हवा को खींचता है। तो इस हवा के संपर्क में आते ही पानी का तापमान कम हो जाता है और एवेपोरेशन होते ही वो ठंडा होकर कूलिंग टावर के नीचे जो टैंक होता है उसमें जमा हो जाता है।
अब इस ठंडे पानी को वापस पंप के द्वारा कंडेंसर में भेज दिया जाता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल की तरह कंडेंसर वाटर साइकिल की यह प्रक्रिया भी इसी तरह चलती रहती है।